वेलकम बच्चों। सो जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हो सेट्स, ये चैप्टर, ये नाम आपको पहले ही मालूम है। ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस चैप्टर, वी हैव लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन नाइन्थ क्लास में हमने इसको देखा है सेट्स क्या होता है। अब उसी को थोड़ा सा बेस बनाकर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, ताकि हमको यानी बहुत बार ऐसा होता है, मैं तो जब यानी यहाँ पर जब आप रहते हो तब तो मैं आपसे बार बार बात भी करता हूँ कि हमारा 7 क्लास का सिलेबस 9th में हमको सपोर्ट करता है, 9 क्लास का सिलेबस हमको 11th में सपोर्ट करता है, उसी प्रकार 10 क्लास का सिलेबस 8वीं बेस ज़्यादा रहता, 9th बेस रहता और वो सपोर्ट करता है 12 क्लास को। तो चलो हमारे पास में है 9 क्लास से सेट चैप्टर, उसको बेस बनाकर हमेशा आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो देखो सेट्स में अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताऊँ तो आप अगर मुझे बोल दो, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्लास चालू है, ठीक है, और क्लास चालू है और कोई भी क्लास ले लो, अब अपना ही क्लास ले लो, लड़कियाँ बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ आर देयर, ठीक है, एंड आई आस यू टू स्टैंड अप द क्लेवर बॉय, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कोई जो होशियार विद्यार्थी है वो खड़ा हो जाए। सो कितने बच्चे होशियार विद्यार्थी है खड़े हो जाएंगे? चलो वो जाओ भला खड़े, अरे खड़े हो गए आप, ज़रूरी है आप होशियार होंगे, चलो दूसरा भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे जो होशियार विद्यार्थी है एक्चुअल होगा क्या, ठीक है, कोई एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखेगा या फिर कोई खुद उठने की कोशिश करेगा, लेकिन बच्चा जो भी खड़ा होगा क्या ज़रूरी है कि वो क्लेवर हो? अब ये क्लेवर है कि नहीं है ये कैसा हम जानते हैं? जनरली हम विचार करते हैं कि टेस्ट में किसको कितने मार्क्स मिले। मान लीजिए एकाधी टेस्ट है, एकाधी टेस्ट में किसी एकाधे बच्चे को, ए नाम के बच्चे को सबसे ज़्यादा मार्क मिले, ठीक है, हाईएस्ट मार्क इसको मिले, तो ठीक है कुछ पल के लिए बोलते हैं कि ए हमारा क्लेवर है। लेकिन बच्चों मान लीजिए दूसरी बार टेस्ट ली गई है और कोई और ही बच्चा, जेड नाम का बच्चा, उसको सबसे ज़्यादा मार्क मिले, तो इसकी होशियारी गई कहाँ? क्या ये क्लेवर बना? नहीं। अच्छा ये जो जेड है ये अभी के लिए क्लेवर हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में क्या हो सकता है कि उसके भी आगे पीछे कोई रह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अब पर्टिकुलर क्लेवर बच्चों को खड़े करने की जब बात आती है, खड़े होने की जब बात आती है, तो आप पर्टिकुलर हो ना पाएंगे, क्योंकि आज जो कोई क्लेवर है हो सकता कल कोई और रहा होगा, या फिर आने वाले कल में कोई और हो सकता है, ठीक है। अगर हम हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, अभी वैसे भी उसका ही दौर चल रहा है और मेरे ख्याल से आप उसको वो आईपीएल क्या बोलते हैं वो देख भी रहे होंगे घर पर, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं बेस्ट प्लेयर इन अवर इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, तो हो सकता है आप में से अलग अलग नाम है, कभी एक ज़माने में गावस्कर हो, कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट भाई हो, हार्दिक भाई हो अपने, तो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन क्या पर्टिकुलर कोई एक ही, ठीक है, एक ही बंदा है जो बेस्ट प्लेयर हमेशा हमेशा रहने वाला है? और हर किसी का अपना फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे जो बेस्ट शब्द लगा है ये बेस्ट शब्द भी हो सकता है पर्सन टू पर्सन और एरा नहीं बोलेंगे, टाइम के अनुसार बदलते रहता है, यानी यहाँ पर भी आप किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों को आप बेस्ट के टीम में नहीं रख सकते। हाँ उतने पल के लिए ठीक है, लेकिन जैसे समय गुजर जाएगा कुछ सालों बाद वो जो उनका बेस्ट है कोई और ले लेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर भी हम पर्टिकुलर बता नहीं पाते। लेकिन बच्चों अगर मैंने कहा, जैसे कि मैंने अर्लियर आपसे बात की है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है, और मैं आते बराबर आपसे कहता हूँ मेरा मार्कर नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं है, पैरों से उठा लेता हूँ, ठीक है, और सैनिटाइज कर लूँगा मैं घर पे हाथ, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ आपसे कि प्लीज़ बॉयज़ स्टैंड अप हो जाओ, तो पटापट क्या हो जाएंगे, सभी के सभी बॉयज़ क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे गर्ल्स खड़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो लोग थे, गर्ल्स थे और बॉयज़ था, उसमें से स्पेशली किसके बारे में कहा, बॉयज़। तो ये जो स्पेशल ग्रुप तैयार हो गया, दैट स्पेशल ग्रुप, दैट स्पेशल कलेक्शन, इट इज़ कॉल्ड ए सेट। हम उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, यानी सेट अगर बात करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे और दूसरे एग्जांपल्स लूँगा, मैंने कहा चलो मुझे जितने भी मंथ होते हैं 1 ईयर में उसके नाम गिनाओ, तो आप मुझे बताएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा बताएंगे क्या? नहीं। वहाँ पर जो स्पेशल हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, आप इस तरह से मुझे दिसंबर तक बताएंगे। मैंने अगर डेज इन अ वीक कहा तो आप मुझे जनवरी फरवरी नहीं बताएंगे, आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, रमेश मंडे,
संडे, सुरेश, ऐसा नहीं बताएंगे, पर्टिकुलर 7 डेज ही आप मुझको बताएंगे, यानी संडे मंडे से लेकर जो भी है, सैटरडे लास्ट होगा, मंडे से लिया तो संडे लास्ट होगा, आगे पीछे चल सकता है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर कैसा पर्टिकुलर 7 डेज का एक कलेक्शन हो गया, एक ग्रुप हो गया, दैट कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक इट इज़ कॉल्ड ए सेट। हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। यानी यहाँ पर जब सेट इसकी बात करते हो, देखो कलेक्शन तो बहुत, कलेक्शन एक अलग चीज़ हो गई, वो तो ग्रुप हो गया, ठीक है, लेकिन वो कॉमनली बात हो गई। लेकिन अगर सेट की बात करो तो वो स्पेशल कलेक्शन हो गया। तो स्पेशल कलेक्शन ऑफ पर्सन ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, मेंबर्स ले लो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप उसको एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो उसके अंदर आने वाले जितने भी लोग, जैसे यहाँ पे मैंने डेज की बात की, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी है, तो इनको मैं मेंबर्स, इनको मैं एलिमेंट्स, इनको मैं ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लाइन कहेंगे सेट। तो सेट का मतलब बच्चों यहाँ पर आप क्या ध्यान में रखेंगे, सेट का मतलब होगा आपके पास, ठीक है, क्या होगा, दिस स्पेशल कलेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट शब्द लिख देता हूँ, आप ऑब्जेक्ट्स ऐसा बोलूँगा, आप इसी को एलिमेंट्स बोल सकते हो, आप इसी को क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स, कोई आप में से ही इसे हम मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, द स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज सेट। उसको क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे। तो चलो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर चलाते हैं। अगर मैंने कहा क्या, द कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, तो क्या बोलेंगे, क्या ये कलेक्शन आपका सेट है, तो यस, क्योंकि आपके पास डेज जो भी आएंगे इन अ वीक वो कभी बदलेंगे नहीं, जो कभी बदलेंगे नहीं उसका कलेक्शन मतलब से। जैसे मैं यहाँ पर क्लेवर बच्चों की बात करता हूँ, तो इनका जो क्लेवरनेस है ये टाइम के अनुसार चेंज हो सकता है, तो इनका कलेक्शन सेट नहीं होगा। जो बेस्ट प्लेयर्स की हमने बात की, उनका बेस्टनेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है टाइम के साथ, तो उनके कलेक्शन को भी हम क्या नहीं कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक वीक में जो डेज आते हैं, तो वो तो कभी नहीं बदलेंगे टाइम के साथ, कुछ सालों पहले भी, ठीक है, और कुछ सालों बाद भी, 100 ईयर्स के बाद भी ले लो, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसका मतलब वो स्पेशल कलेक्शन है एंड दैट विल बी दी सेट। यानी क्या बोलेंगे, दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेट। अगर मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेना पसंद करता हूँ, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्संस ऑफ योर टाउन, या फिर सिटी ले लो, ऑफ योर सिटी, तो आपके पास में, ठीक है, आपके शहर में, ठीक है, जितने भी रिच पर्संस है उनका कलेक्शन। अगर मान लीजिए कि कोई अमित नाम का बंदा है, उसके पास मान लीजिए कि 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये से उसके पास, तो हो सकता है हम गरीब जनता की तुलना में वो अमीर हो जाए। लेकिन कोई बी नाम का बंदा आ गया, बाबुल नाम है उसका मान लो, और उसके पास मान लीजिए 1.1 करोड़ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हमारा ये जो अमित है इसका रिचनेस तो चला गया, उसका रिचनेस किसको ट्रांसफ़र हो गया, बाबुल को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिचनेस है, ठीक है, वो बदलने वाला है, बदलते रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे रिच पर्सन का जो कलेक्शन है, दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट, वो सेट नहीं होगा। यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। सो बच्चा आपको ये काम भी करना है, कौन सा काम करना है, मैं यहाँ पे कुछ कलेक्शंस लिख देता हूँ, आप उसको है कि नहीं वो आप लिख देना, ठीक है। तो चलो मैं 2-3 यहाँ पर एग्जांपल्स और लेना चाहूँगा। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, तो आप बता देना यहाँ पे, आंसर आप लिख देना, क्या वो कलेक्शन है कि नहीं आप लगा देना, बता देना, ठीक है। उसके बाद में और कुछ लिख देता मैं, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो बताओ, सबसे पहली
पहली बात तो ये कि हमारे पास नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं फ्रॉम वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेते हैं, उसमें भी स्पेशल कहा है इवन। तो जब इवन नेचुरल नंबर होंगे सो आप में से कौन से बच्चे मुझे बताएंगे कि इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? तो यस, किसने कहा है 2? यस, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बच्चों वो इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये स्पेशल कहा है उन्होंने, इवन नेचुरल नंबर दिस इज द स्पेशल थिंग। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मंथ्स ये स्पेशल थिंग है, ठीक है, लेकिन ये रिचनेस ये स्पेशल नहीं, ये बदलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर का सेट यानी कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। अब बता दो ना ये मंथ्स इन अ ईयर ये भी क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर ये भी क्या होगा, हमारे पास सेट होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द कलेक्शन ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवन प्राइम नंबर्स। अब ये मत बोलना सर कि सर हमने इवन प्राइम नंबर के बारे में कभी सुना ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना। हमारे पास में इवन प्राइम नंबर है, चलो बताओ बोला इवन प्राइम नंबर कौन है। पहले तो ये बताओ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। यस, हमने देखा है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और के टेबल्स में नहीं आते सिवाय वन को। तो वन वैसे भी छोड़ दो, हम बड़ा हलकट आदमी है, उसके टेबल में ना कोई भी आ जाता है, ठीक है। सो वन को छोड़ के किसी और टेबल में जो नंबर्स नहीं आते उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था लास्ट टाइम में प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2, 3, 5, 7, उसके बाद में आप देखेंगे 11 है, 13 है, अब बहुत सारा हो गया, इसके पहले हम बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या कहा भाई उसने, इवन प्राइम नंबर, तो बताओ ना कौन होगा इसमें से इवन प्राइम नंबर। ये सब तो मुझे नहीं नज़र आ रहे, ओनली टू मैंने लिख के दिया है, वी हैव सीन इट, ओनली टू इज द इवन प्राइम नंबर। हाँ, हो सकता है कि कोई बच्चे यहाँ पे लेट क्लास ज्वाइन करने के कारण उनको शायद वो मिला ना हो, कोई बात नहीं बच्चों, हमारे जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ है आप उसे देख लीजिए, वहाँ पे जब हमने नंबर सिस्टम देखा वहाँ पे वी हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है। तो ये टू, तो आप बोलेंगे सर कलेक्शन और एकच नंबर, तो आपको क्या करना है, कलेक्शन में हज़ार है कि एक है? कलेक्शन तो है भाई, सिंगल से मेंबर नहीं बोलते। अगर मान लीजिए कि मेरे घर में सब लोग चले गए कहीं घूमने फिरने और मैं घर में हूँ और कोई आता है कि घर में कितने मेंबर है, तो अकेला मैं ही हूँ तो मेंबर तो कहलाऊंगा ना मैं। सो वहाँ पर बात क्या है कि हमारे पास में वन रहे, अनेक रहे, न रहे, सेट ये कंसेप्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बोल दीजिए कि इसमें कौन आने वाला है, टू, और टू कभी बदलेगा नहीं, इसलिए ये कलेक्शन भी आपका क्या बनने वाला है, सेट बनने वाला है। सो क्या आप यहाँ पे लिख पाएंगे 3? यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सेट है कि नहीं, यहाँ पे भी लिखेंगे सेट है कि नहीं, होगा तो इज़ बोलना, नहीं होगा तो इज़ नॉट बोल देना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है बच्चों। सो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें देखनी है बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। सो फिलहाल तो हम थोड़ी सी और एक आधी छोटी सी चीज़ देखते हैं, उसके बाद आज रुक जाते हैं, फिर इसको बाद में कभी कंटिन्यू करेंगे। आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में स्टार पॉइंट, हाँ कभी कभी मैं बात करता हूँ स्टार पॉइंट्स की ना, डायरी मैंने कुछ लोगों को दी है, मतलब सभी लोगों को दी है, कुछ लोग गलती से छूट गए होंगे, ठीक है, तो आप प्लीज़ कलेक्ट कर सकते हो ऑफिस में आकर। सो डायरी में देखो किसी को यानी यही टेंशन होती है कि डायरी में लिखेंगे क्या, तो आज एक्चुअली बताओ डायरी में क्या लिखेंगे, सिर्फ ये स्टार पॉइंट लिखेंगे। ये तो एग्जांपल्स है ना भाई, इस चीज़ को समझाने के लिए एग्जांपल्स है। तो जो स्टार पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फार्मूले है, जो डेफिनेशन है, सिर्फ उसी को आपको नोट डाउन करना होता है डायरी में, ताकि जब भी आप उसको देखो तो फटाफट पूरी की पूरी कंसेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। और वो डायरी भी हमने इतनी बनाई है कि आप उसको पॉकेट में अच्छे से रख सकते हो। गर्ल्स आप अपने जो आपके साथ में जो पैक ये होता है क्या बोलते हैं बैग वगैरह, हैंड बैग, आप उसमें लेके जा सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। अब किसी की या करो अब रिलेटिव किया जा सकते इधर उधर, पहली बात तो जाना मत भाई, अभी थोड़ा सा अच्छा माहौल नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए गए भी तो दिन भर तो गपशप चलती है, लेकिन रात के समय में सोने के पहले अब उस डायरी को निकाल दो, फटाफट पढ़ लो और फिर सो जाओ, बढ़िया सी नींद भी आएंगे और आपके दिमाग में फिट भी रहेगा, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी ये जो सेकंड स्टार मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए जगह छोड़ देता हूँ, ध्यान दो मैंने डॉट लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर एक सिंबल की बात करते हैं, ये सिंबल तो आपने देखा ही होगा,
ऐसा नहीं बोल सकता मैं, नाम तो सुना ही होगा, एक्चुअल सिंबल तो देखा ही होगा आपको, मालूम है ये जो सिंबल है हमारे पास में, अगर आप इसको अगर हमारे कुछ बुक्स में देखेंगे तो आप एक्चुअली इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन ये तो वो सिंबल का नाम हो गया, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ किस लिए करते हैं, तो फिलहाल इसको ध्यान में रखो, ये सिंबल अगर है तो आप इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ को बिलोंग करती है तो उसके लिए ये, या फिर आप बोलेंगे इज़ द एलिमेंट ऑफ, ऐसा भी बोल सकते आप, ठीक है। सो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा डॉट हो गया, ठीक, तो यहाँ मैं इस तरह से सिंबल बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, अच्छे से आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे आप इसको, बिलोंग्स टू, या फिर इज़ द एलिमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, इज़ द एलिमेंट ऑफ, इज़ द एलिमेंट ऑफ, या फिर मेम्बर ऑफ वगैरह आप लिख सकते हो आपकी इच्छा। उसके बाद में मैं ये कहता हूँ दूसरा, ठीक है, ये मान लीजिए फिर से ऐसा लिया मैंने, यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ ऐसा क्रॉस किया मैंने, तो इसका मतलब क्या कि नहीं, जैसे आपको मालूम है ये इक्वल साइन है, और जैसे ही आप इसको कट करते हो तो दिस बिकम्स नॉट इक्वल, उसी प्रकार ये बन जाएगा, ये बिलोंग्स टू है तो आप इसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू, क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, does not belong to, या फिर is not the element of, is not the element of, element of, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ और हम चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर जैसे हमने नंबर सिस्टम में देखा था, तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स है, अब सेट्स आया मतलब वो स्पेशल कलेक्शन होगा, तो यहाँ पर थोड़ी हेडिंग दे देते हम, Some standard sets. मैं यहाँ पे सिंबल्स लिखता हूँ, आप मुझे वहाँ बता सकते हो क्या क्या होगा। जैसे नंबर वन, मैं यहाँ पे कैपिटल N लिख चुका हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, यस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, यन, यन जो बताते हैं, यन किसके लिए आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए आता है ये, ठीक है। कौन बताएगा मुझे सेकंड में क्या लिखने वाला हूँ, ओके डब्ल्यू, तो क्या बोलेंगे आप, यस सेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये नंबर्स कहाँ से शुरू होते, क्या नहीं, आपको मालूम चाहिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, थ्री। अब लिखेंगे यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है, आप ले सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, आपको मालूम है, और उनके डिनोमिनेटर में हमेशा वन होता है, ठीक है। मैं उसके बाद लिखता हूँ क्यू, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आप यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ और लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू डैश, आप इसे लिखेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैपिटल आर, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और एक लिखता हूँ, सी लिख देता हो, क्योंकि ये 10 क्लास तक नहीं पढ़े थे, लेकिन इसके बाद अभी हम इसके पहले पढ़े हैं, 10 क्लास के बाद और अभी क्लास के पहले, ये है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय जेड विच इज़ इक्वल टू ए प्लस आई बी और बी आई, यू मे राइट, ठीक है। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव सीन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये है, अब बच्चों जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे इनका मिक्सचर करके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेना चाहता हूँ, ठीक है, अब उसको कैसा पढ़ेंगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि मैं 5 इसको मैं थोड़ा सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, 5 इज़ दी नेचुरल नंबर, मैं कहता हूँ 5 इज़ दी नेचुरल नंबर, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5, ठीक है,
इज़ द नेचुरल नंबर. सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल. क्या बता रहा हूँ मैं, जब बिलोंग्स टू है कुछ है, इज़ शब्द आ रहा है तो आप क्या लगा दो वहाँ पे, बिलोंग्स टू. इज शब्द के लिए आप क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू लगा दो, ठीक है. और अब है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए कौन है, एन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन, ठीक है. यानी फाइव इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर फाइव इज द नेचुरल नंबर, सिंपल, ठीक है. जब इज शब्द आएगा तो इज शब्द के लिए ये सिंबल लगा दो यहाँ पर, और इज नॉट शब्द आएगा, डज नॉट शब्द आएगा, तो ये लगा दो, ठीक है. जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा माइनस टू इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, होल नंबर की शुरुआत होती है हमारे पास में ज़ीरो से, उसमें नेगेटिव वाले नहीं आते. मतलब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस टू. अब देखो यहाँ पे इज नॉट है, इज नॉट के लिए हमारे पास ये सिंबल है, यानी आप लिखेंगे इट डज नॉट बिलोंग टू, इसको कट कर लेंगे आप, होल नंबर, और होल नंबर के लिए क्या आता, W. तो ये चीज़ें बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है. तो चलो यहाँ पर हमारे पास है, आज हमने जो देखा सेट, द स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स और एलिमेंट्स, यू मे राइट एनीथिंग. फिर एग्जांपल्स ली यहाँ पर, फिर ये सिंबल है, इट इज़ बिलोंग्स टू, और वी से इज द एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है. देन दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू और इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, या फिर ऑब्जेक्ट मेंबर शब्द लगा सकते हो. देन सम स्टैंडर्ड सेट्स आर देयर, एल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, आई के लिए हम सेट ऑफ इंटीजर्स यूज़ करते, कभी कभी जेड भी यूज़ करते, ठीक है. क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू डैश द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है बच्चों. सो आज यहाँ पर इतना आप ध्यान में रखिए, ये तीन क्वेश्चंस के, यानी तीन जो लाइंस है इसका, इज नॉट या फिर इज द सेट ऑफ वगैरह जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है. और फिर इसी को इस्तेमाल करके हम सेट्स को लिखने की, यानी राइटिंग मेथड्स, जैसे कि आपको मालूम है क्या क्या होती है, यस, रोस्टर फॉर्म होता है जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, उसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसको हम रूल फॉर्म भी बोलते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा डायग्रामेटिकली बताते जो होता है वेन डायग्राम के जरिए, ठीक है. फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके टाइप्स है, उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एंड दैट वी हैव टू सी, ठीक है. सो दैट विल बी सीन इन फर्दर क्लासेस, ठीक है. सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में. टिल देन, बाय.